बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी, तैमूर अकेडमी डॉट कॉम की नाम से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को YouTube की मोनेटाइजेशन के बारे में, बड़ी अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि YouTube की मोनेटाइजेशन अपडेट आ चुकी है, जिसका सब लोगों को इंतज़ार था कि 4000 घंटे वॉच टाइम ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, लेकिन अब कौन सी शर्त रखी है? 4000 घंटे नहीं तो फिर क्या करना होगा, सारी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं YouTube लॉन्ग वीडियोस की मोनेटाइजेशन की। जो अपडेट आई है वो दो तरह की अपडेट आई है, याद रखें, एक लॉन्ग वीडियोज़ की है और एक शॉर्ट वीडियोज़ की। अगर आप लोग अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, एक मिनट से बड़ी हों, 2, 3, 5, 10, 15 जितने मिनट की भी हों, तो आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना होगा, उसके बाद आप लोग अपने चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन करवा सकते हैं। लेकिन जो दूसरी अपडेट है YouTube शॉर्ट्स के बारे में, कि अगर आप लोग अपने चैनल पर YouTube शॉर्ट्स लगाते हैं, साथ में लॉन्ग भी लगाते हैं, तो फिर आप लोगों के चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए लास्ट 90 डेज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोग समझ रहे हैं ये खुशखबरी है, असल में ये खुशखबरी नहीं है। 10 मिलियन व्यूज़, अब ये बात करें तो 2 दिन में भी आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं, और बात करें तो ये 10 साल लग जाएं 10 मिलियन व्यूज़ ही ना आए। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें मैं अपने ओरिजिनल कंटेंट पे वीडियोस लगा रहा हूँ, तो हमारी शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, बस मैं कितनी शॉर्ट्स बनाऊँगा 10 मिलियन व्यूज़ तक जाने के लिए। तो यूट्यूब ने 2 रूल्स कर दिए कि लॉन्ग वीडियोज़ के लिए वही सेम क्राइटेरिया, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना। लेकिन आप लोग शॉर्ट प्लस लॉन्ग या सिर्फ शॉर्ट्स का चैनल बनाते हैं, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे करने ही करने हैं, प्लस 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए, जो कि मैंने बताया इतने दिनों में, तो फिर आप लोग जो है वो पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा आसान 4000 घंटे वॉच टाइम है बनिस्बत 10 मिलियन व्यूज के। हाँ, 10 मिलियन व्यूज ये है कि अगर आप लोग कॉपी राइट या कॉपी पेस्ट पे काम करते हैं, तो फिर आप लोग जो मर्जी वीडियोस लगा दें, कोई मसला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। दूसरी अपडेट जो है वो ये है कि YouTube कह रहा है कि हम म्यूजिक आपको अलाउ करेंगे, आप लोग शॉर्ट्स पे यूज कर सकते हैं और अर्निंग भी आप लोग कर सकते हैं उससे। मतलब टिकटॉक की वीडियोस होगी, स्नैक की होगी, जो भी जहां पे भी जिस तरह का आप कंटेंट बनाते हैं, उनको कोई मसला नहीं, सिर्फ आप लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालना है, वहां पे जितने व्यूज आएंगे मोनेटाइज होगा चैनल, तो आपको मिलेगा। याद रखें यूट्यूब फंड एक अलहदा चीज़ है, वो ऑलरेडी था और अभी तक चल रहा है, उसको बंद नहीं किया गया, लेकिन ये अपडेट आई है यूट्यूब शॉर्ट्स के रिलेटेड। अगर आप लोग चाहते हैं कि वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा, तो 10 मिलियन व्यूज पूरे करें। अब आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या ये अपडेट अच्छी लगी है? मुझे तो इस अपडेट पे कोई अच्छी खबर नजर नहीं आई। 10 मिलियन व्यूज आम बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है, उसके 2-3 साल लग जाएंगे, जो कि 4000 घंटे वॉच टाइम 2 लाख व्यूज आ जाए तो पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे गेम सोचने वाली है, यूट्यूब ने भी बड़ी गेम खेली है और ये भी बताया है कि जो लॉन्ग फॉर्मेट है वो सेम उसी तरह रहेगा, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, उस चीज को नहीं चेंज कर रहे, लेकिन शॉर्ट्स लगा रहे हैं, लॉन्ग लगा रहे हैं, तो फिर 4000 घंटे नहीं तो 10 मिलियन व्यूज हो तो फिर भी मोनेटाइज हो जाएगा, सिर्फ शॉर्ट्स हैं तो 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, और मैं वेट करूंगा कमेंट्स में आप लोग को कौन सी अपडेट अच्छी लगी और आप लोग क्या क्या कहते हैं।